हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की कुसुम में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, और बस मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग सुबह सुबह। तो गाइस, आज हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बहुत ही हवा चल रही है। आपको क्या बताओ, ये देखो, ये मेरी बड़ी बहन है, ये देखो यहाँ पर सब्जी काट रही है। बहुत ही आज हवा चल रही है, बहुत सर्दी हो गई हमारे यहाँ पर। तो आप लोग कमेंट करके बताना आपके यहाँ पर कितनी सर्दी हुई है। तो बस आप देख ही सकते हैं, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो इसीलिए मैंने तो देखो यहाँ पर सबसे पहले टोपा भी लगा के रखा हुआ, जर्सी भी पहनी हुई, फिर भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो फिर मैंने कहा चलो सर्दी तो होती रहती है, सुबह सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती। तो आप देख ही सकते हैं आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर मटर आलू। तो बस फिर उसका ये देखो मैंने सब्जी बनाना कर दिया स्टार्ट। तो बस मैंने मटर भी निकाल ली है, थोड़ी बहुत ही मटर डालनी है। तो बस मटर है और वो मैंने आलू तो पहले ही कट कर लिए, और टमाटर भी ले लेंगे एक दो बस, फिर आपके साथ आज रेसिपी भी शेयर करेंगे। काफ़ी दिनों से मैंने ऐसे रेसिपी शेयर नहीं की हुई है, तो इसीलिए ब्लॉग्स भी आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे नहीं लगते हैं मेरे। मैं इतनी मेहनत से ब्लॉग्स बनाती हूँ, पर पता नहीं मेरे ब्लॉग्स कब वायरल होंगे। आपको पता है एक सीमा होती है हर किसी इंसान की। तो बस ये देखो मैंने मटर को भी छील लिया है, टमाटर है और प्याज है, हरी मिर्च है। अब बस मैं जल्दी से दे दूँगी सब्ज़ी में तड़का। और यहाँ पर जो मेरी सबसे छोटी वाली मेरी सिस्टर है वो रिकॉर्ड कर रही है, तो इसीलिए आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, उसे ना इतना आता नहीं है इतने अच्छे से करना। तो इसीलिए और बैकग्राउंड में भी आपको बहुत सारा शोर सुनाई दे रहा होगा, तो उसके लिए आप सभी के लिए आई एम सो सॉरी। वो हमारे यहाँ पर ना इतना ज़्यादा शोर हमेशा होता रहता है, इसीलिए तो हम आगे से नहीं बोल पाते हैं। जब भी बोलने की कोशिश करते हैं तब बस इतनी सारी वॉइस आती हैं, इसीलिए तो प्लीज़ आप सभी इग्नोर कीजिएगा। पता क्या, कोई भी इंसान हो, किसी भी इंसान को, मतलब मैं खुद की नहीं कह रही हूँ, मैं मतलब अपनी लाइफ से जैसा कि मैंने देखा है, जितना मैंने सीखा है उस हिसाब से अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मतलब एक इंसान होता है एक साल मेहनत करता है किसी चीज़ के पीछे, दो साल मेहनत करता है, पर ऐसा नहीं है कि इंसान है मेहनत करता है फिर जब उसे कोई फल नहीं मिलता है तो मतलब इंसान को ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। सच बताऊँ तो आज मुझे इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, मैंने ऐसा कर रहा है अभी बस रो दूँ बैठ के, तो इतना लगता है, पता नहीं क्या करें। मैं मुझे कुछ अपना समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो बस यही मेरे साथ आजकल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं भगवान क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्लॉग इतने अच्छे से बनाती हूं, इतनी मेहनत करती हूं, फिर डेली अपलोड करने की भी कोशिश करती हूँ जहाँ तक हो पाता है, ना नेट भी नहीं मिलता। आपको बताऊँ तो 1.5 GB वहाँ हमको तो बस नेट मिलता है, उसी में करने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी कितना भी कर लूँ पर हमारे साथ पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं सबके पास सबके देखती हूँ, बस भगवान पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मैं आपको बताऊं तो मैंने और भी ब्लॉगर्स देखे हैं, सब ज़्यादातर जितने ने भी मतलब मुझसे पहले चैनल स्टार्ट किए थे, मुझसे बाद में स्टार्ट किए, सभी ब्लॉगर हार मान चुके हैं, बस बंद कर दिए ब्लॉग्स डालना। पर मैं सोचती हूँ नहीं, हार मानने से कुछ नहीं होगा, तो बेटा जो बस आगे बढ़ती जा, डाल दिया ब्लॉग डाल दिया, भगवान एक ना एक दिन तेरा ब्लॉग ज़रूर वायरल करेंगे। आप भी ऐसे कमेंट करते हो तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर क्या करें आप ही बताइए। इतना नेट वेस्ट होता है, नेट वेस्ट होने का मुझे कोई गम नहीं है कि चलो नेट तो थोड़ा बहुत होता है वो वेस्ट होता ही है, पर इस बात का गम है कि बताओ ब्लॉग वायरल नहीं हो रहा। आप देखिएगा मेरे चैनल पर जाकर मेरे 82+ वीडियो हो जाएंगे, आज ये वाला ब्लॉग डलने के बाद में 83 वीडियो हो जाएंगे, बट फिर भी उसके बाद कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा यूट्यूब से। मेरा कोई भी ब्लॉग 7K तक में नहीं गया आज दिन तक। बताइए हम क्या इतने बुरे, मतलब कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जो सभी लोग ऐसा करते हैं, सबके ब्लॉग्स वायरल हो जाते, पर पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो बस यही होता है आजकल आपके साथ, मैं क्या बताऊं। तो ये देखो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से सारा मैंने काम अपना निपटा लिया है, ये भी थोड़ा बहुत काम रह रहा है इसको भी कर लेते हो। आपको बताऊँ तो पीरियड्स के दिनों में भी हम गाँव की लड़कियों को ये सब काम करने पड़ते हैं, ये वैसे आपको पता है ऐसे काम कोई करता नहीं है सिटी में, पर हम लोगों को ये सारे काम करने पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, पर काम तो काम होता है, करना तो पड़ता ही है। तो बस इसीलिए मैंने आज आप सभी लोगों के साथ शेयर किया हुआ, आप लोग प्लीज़ कोई इसका गलत मतलब मत निकालिएगा। तो ये देखो ये क्यूट सा बच्चा है, जूली है इसका नाम, हमने जूली रखा है, ये ना हमें बहुत क्यूट लगता है। तो उस मेरी छोटी वाली बहन के साथ खेल रही थी, ये देखो कितना मासूम है ना। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बाथरूम में बर्तन को साफ़ करने, और अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे ना इतने बड़े बड़े जैसे कि जागृति दी है, जागृति दी के आप शायद ब्लॉग्स देखते होंगे, मे भी मुझे नहीं पता है, तो वो इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल थॉट देती हैं। तो देखो मुझे ऐसा कुछ आता नहीं है,
क्योंकि ऐसा होता है जब आप पढ़ाई करते हो ना, जैसे अभी मान लीजिए मैं ही थी, मैंने मतलब स्कूल में पढ़ाई करती थी, तब मुझे काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहता था, याद करते थे सर स्कूल, मतलब डेली काम मिलता था, वर्क मिलता था, तो मुझे दोहे वगैरह सब कुछ याद रहता था, थॉट्स वगैरह। फिर उसके बाद जब पढ़ाई छूट जाती है एक समय के बाद, तो आपको पता है कि किसी इंसान को इतना याद नहीं रहता है। तो फिर मुझे देखो मोटिवेशनल थॉट्स बोलने में या मुझे किसी की भी कॉपी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं क्यों किसी की कॉपी करूंगी, मुझे किसी की कॉपी करने से क्या मिल जाएगा, किसी का ब्लॉग कॉपी करने से क्या, तो इसलिए मैं किसी की कॉपी नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस अपना जो भी रियल कंटेंट है बस मैं वही दिखाना चाहती हूँ पब्लिक को, क्यों और आप सभी को पता नहीं मेरा कॉन्टेंट कैसा लगता हो, अच्छा लगता हो, ख़राब लगता हो, ये तो मैं नहीं कह सकती, पर मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ थंबनेल बनाने में, 100% कोशिश करती हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, कल वाला ब्लॉग था ना शिमला मिर्च का अचार वाला ब्लॉग, उस ब्लॉग के लिए हमने इतनी मेहनत की, इतने अच्छे मूड से बनाया था, पूरे मन के साथ बनाया था, पर फिर उसके बाद जैसे ही मैंने देखा सुबह सुबह उठ के मात्र 117 व्यूज थे, तो बस फिर तो बहुत ही बुरा लगा। तो इसीलिए आज ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है पता नहीं मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने दिनों से मैं यूट्यूब पर लगी हुई हूँ, इतने दिनों से मेहनत कर रही हूँ, मुझे 6-7 महीने हो जाएंगे लगभग, पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या करूँ। आप सभी लोग ही कमेंट करके बताना, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस फिर उसके बाद ये हो चुका है शाम का टाइम, और ये देखो ये मेरी बहन है, ये हमारी बकरी है डॉली, इसको हम सभी ना बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, इसके प्यारे प्यारे से बेबी भी आने वाले हैं, पर 10 या 15 दिन रह गए, बस इतने दिनों में इसके बेबी भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद मम्मी गई थी मार्केट, तो मम्मी जैसे ही मार्केट से आई तो मम्मी ये ढेर सारा सामान लेकर आई थी, सब्जी वगैरह आए, तो फिर मैंने कहा एक काम करते हैं इन सभी को अच्छे से धोकर रख देते हैं, फिर अभी धो के रख दो ना तो सही रहता है। आपको पता है बाहर पता नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे बिना सब्जी को, ऐसे मैं मेरे घर में जब भी सब्जी आती मैं तो पहले नंबर उनको धो के रख देती हूँ। और ये मम्मी लेकर आई थी अमरूद, आजकल ना बाज़ार में अमरूद सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, मैं आपको बताऊँ कोई चीज़ बाज़ार में है सबसे ज़्यादा क्वालिटी में तो वो अमरूद ही है, तो बस इसीलिए। और ये मेरी बीच वाली बहन है, ये देखो इसको ना सब्जी आ जाए तो इसको कच्ची सब्जी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे टमाटर हो, चाहे फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, ये ना सारी सब्जी कच्ची खा जाती है। तो बस भाई मैंने ये अदरक धो ली, और ये देखो सब्जी में टमाटर कितने फ्रेश है ना, आजकल सब्जियां काफ़ी सस्ती भी हो गई हैं, टमाटर 10 रुपये किलो मिल रहे हैं, और ये अमरूद है, अमरूद तो 20 रुपये किलो मिले थे बस। तो यही सारा सामान मम्मी लेके आई हैं, तो ये मेरी छोटी बहन आप सभी को दिखा रही है। तब तक आपसे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये देखो ये मेरी बीच वाली बहन, ये देखो ये खा रही थी जल्दी से फूल गोभी। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पर ये मम्मी लेकर आई थी क्या, हाँ मूली, मूली की सब्जी आज शाम को बनाने वाली थी मैं, तो फिर मैंने कहा मम्मी आप एक काम करो जल्दी से जाके मूली ले आओ, तो फिर उसकी सब्जी बना लेते हैं। तो ये देखो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फ्रेश मूली है, तो उस मम्मी ले आई थी, मैं शाम खाने कर रही हूँ तैयारी। ये हो रहा है शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो बस इसी उम्मीद के साथ आज का ये ब्लॉग समाप्त करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा। अगर आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ इस वीडियो को वायरल करा देना, बहुत ही सपोर्ट करना। तो बस अब मैं कर लेती हूँ शाम के खाने की तैयारी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल फैमिली।